Hey guys, welcome and welcome back to my channel जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे. Today we are going talking about MCS 011. मैंने बहुत दिन से मुझे बहुत सारे messages text आ रहे थे कि मैम आप MCS program शुरू करो. मैंने YouTube पे बहुत सारी videos हैं MCS program के, but जैसे इग्नू कैसे questions लेता है, कैसे questions exam में देते हैं and उसकी book वो कोई वीडियो लेक्चर नहीं है, तो प्लीज़ अब मैम ये शुरू करो. तो मैंने सोचा बहुत दिन से कि मैं शुरू करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे थे, मैंने भी अपना एग्ज़ाम देने का सोच रखा था. तो मैंने शुरू करने में थोड़ी सी डिले की, क्योंकि मेरी भी स्टडी चल रही थी. तो जैसे कि मुझे 3-4 days एक को मुझे पता चला कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं हमारे, तो मैंने सोचा कि इसी प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए. लेकिन मैं इस सब्जेक्ट से कंफ्यूज थी कि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करी थी. तो मैंने एक वोटिंग कराया कि अपने टेलीग्राम अकाउंट पर, टेलीग्राम ग्रुप पे, कि कौन सा सब्जेक्ट को शुरू करा जाए. तो सबसे ज़्यादा वोटिंग फॉर MCS 011 एंड विद द रिक्वायरमेंट कि आप इस तरीके से बताओ जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, मैं उस तरीके से बताऊँ. क्योंकि सी प्रोग्राम तो बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस मिल जा रहे हैं, बट कोई इग्नू में कैसा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो मुझे कोई बता नहीं पाता है यूट्यूब पर ही. तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं. तो मैं आप लोग को, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस डाला था जिसमें मैंने MCS 011 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शो किया था. जो वीडियोस नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखिए, आई कार्ड में मैंने लिंक को डाला हुआ है. ठीक है, तो मैंने उसी को सोचा कि उसी को सॉल्यूशन करते हुए चलती हूँ. इस वीडियो के कमेंट में भी बहुत सारे बोला था कि मैम इसके सॉल्यूशंस भी लेके आओ. तो मैंने बोला ओके लेट्स सी. तो यहाँ पे जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने राइट करा था, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, और इस वीडियो को जो इसकी जो वीडियो आई थी इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक की, वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देखो. और अपने कॉपी पे एक सीरियसली थॉट, जितने भी ये मैंने क्वेश्चंस रिक्वायर्ड करवाया है वो उसको कॉपी पे अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन को उतारो, एंड देन सारे टॉपिक को मैं क्लियर करते हुए अपने वीडियोस में चलूँगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा. तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में इतना बताने के लिए कि किस तरह मैं इस वीडियो को जाऊँगी. ठीक है, तो मैं वीडियो शुरू करूँगी. तो जो भी मैं सेमेस्टर इन होने के बाद एक इंटरव्यू टाइप्स होता है, हमारा टेस्ट होता है, उस चीज़ में भी हमारे जितने 3 साल में जितने भी तुम लोगों ने सब्जेक्ट को पढ़ा है उससे भी क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं. इनफैक्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. तो मैं उतना ही करवाने वाली हूँ जितना ज़रूरी है. ये नहीं कि कुछ ज़्यादा मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन करना है कि और ये हो. ठीक है, तो एक और बात की बहुत स्टूडेंट ने कहा था कि कोई भी जो भी यूट्यूबर है, जो यूट्यूब पे हैं लोग, वो सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं करा पाते. इट मीन्स कि जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए, या फिर बहुत सारे फंक्शन है सी प्रोग्राम में जितने सारे क्वेश्चंस हैं उस, या हमारे यूट्यूब में जो क्वेश्चन पेपर में जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं एल्गोरिथम से रिलेटेड, फ्लो चार्ट से, सी प्रोग्राम से, यू नो जितने भी हैं, उन सब सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा पाते हैं. तो मैंने सोचा कि ठीक है इसको भी अपने वीडियो में लेके चलेंगे. और जितने भी इम्पोर्टेंट, मैंने ये नहीं कर रखा कि एल्गोरिथम पर आना है, मुझे एल्गोरिथम में जितने भी सारे टॉपिक्स होंगे मैं उनको कवर करा पाती हूँ. टॉपिक्स को तो कवर करूँगी, बट जितने भी एग्जाम्पल होंगे उनको उनको कवर कर नहीं, मैं उससे उतने वीडियोज को उतने एल्गोरिथम के क्वेश्चन को लूँगी जितने एग्जाम में मैंने क्वेश्चन पेपर में देख रखा है कि एल्गोरिथम जैसे पूछता है कि प्राइम और नॉट प्राइम, इवन और ऑड. ठीक है, इस टाइप से जितने क्वेश्चन मैंने देख रखे हैं उनका मैंने एक अलग से अपने ऑफिस में टेक्स्ट करके रखा हुआ है. उस चीज़ को मैं उसी हिसाब से अपने वीडियोस को लाऊंगी.
तो प्लीज आई रिक्वेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट एंड ऑल व्यूअर फॉर माय वीडियो कि जितने भी मैं वीडियोस लाऊं प्लीज सपोर्ट करें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट पे ये वीडियोस मैंने बनाना शुरू करा है। अदरवाइज मैं इसका वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मेरे पास टाइम अब बचा है। मैंने अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर रखा है सारा, एंड दिसंबर तक मेरे पास टाइम भी है, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को क्रिएट कर ही दिया जाए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारा फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कल स्टार्ट करेंगे, और हो सके तो हम लोग एंड भी फर्स्ट कल ही कर दें, क्योंकि मैंने उतना ही क्वेश्चन को रखा है जितना जो भी हमें ज़रूरत है। आज संडे है, मैंने आज बैठ के टोटल सुबह से लेके मैंने आज तक उस पर वर्क करा है, और टाइम नहीं होने की वजह से मैंने अभी वीडियो डाला है रिकॉर्डिंग करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, यानी कल इसी टाइम पे मैं एक वीडियो और डालूंगी जिसमें हम बताएंगे कि ब्लॉक 1 एनसीएस 11 में जो ब्लॉक 1 है और यूनिट 1 में हमारे क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या रिक्वायर्ड करता है हमारा इन क्वेश्चंस एग्जाम में, उसको हम लेके चलेंगे। तो प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय।